I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. Hi everyone, आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो नवरात्रि साल में चार बार होता है, जिसमें कि दो नवरात्रि मुख्य होते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र, और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो इस बार नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च यानी कि बुधवार से। नवरात्रि वैसे तो 9 दिनों का होता है, जिसमें कि कुछ लोगों का व्रत 9 दिन होता है और कुछ लोग पहला नवरात्र और आरती का व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान हमें अपने आप को किस तरह से एनर्जेटिक और इम्यूनिटी को बनाए रखना है, मेंटेन किए रखना है, उसके लिए मैं ये ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। मैं आज दो तरह के फ्लेवर्ड मिल्क बनाऊंगी, एक बादाम ड्रिंक बनाऊंगी और दूसरा ये पैकेट वाला बॉम्बिनो का मिक्स से बनाऊंगी। बादाम ड्रिंक बनाने के लिए ये मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, जो कि फुल फैट मिल्क है। इसको गर्म करके मैंने रखा है और ये बादाम लिया है, 15 से 20 बादाम है। ये काजू भी 10 से 15 काजू है। अगर आपके पास ग्रीन पिस्ता है तो वो भी 10-15 पीस ले लीजिए। और ये मैंने किशमिश लिया है, गोल्डन किशमिश है ये। 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, थोड़े से केसर के स्टिक लिए हैं और ये नटमेग पाउडर है 1 पिंच। सबसे पहले 1/2 लीटर दूध लेंगे और उसको खूब अच्छे से बॉयल करेंगे। जब तक दूध बॉयल होगा हम इसका बादाम और काजू का पाउडर बना लेंगे। अब इसी में मैं ये किशमिश है ना वो ऐड कर दूंगी और फिर से इसको ग्राइंड करूंगी। इस तरह से ये मैंने पाउडर तैयार कर लिया, किशमिश थोड़ा थोड़ा पीसा और थोड़ा पूरा साबुत ही रह गया। इसको इसी तरह से दूध में ऐड करना है। इसको मैंने पाउडर बना लिया बादाम और काजू का। अब इस पाउडर को मैं दूध में मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको बॉयल जो दूध हो रहा है उसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको दूध में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा और बॉयल करेंगे। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि काजू और बादाम अच्छे से दूध के अंदर पक जाए, इसलिए थोड़ा इसको और बॉयल और गाढ़ा होने देंगे। मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक बॉयल किया, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, ये सेफ्रॉन जो रखा था मैंने वो, और 1 पिंच ऑफ नटमेग पाउडर। सभी को ऐड कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी डालिए। मैंने ये 2 टीस्पून शुगर लिया है, और नहीं तो आप शुगर स्किप कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये मैंने बादाम ड्रिंक मिक्स किया है, ये तुरंत बन जाता है, इंस्टेंट बादाम मिक्स है। इसमें 3 टीस्पून में बादाम मिक्स ले रही हूँ। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। इस तरह से इसको मैंने घोल लिया है। चाहे तो आप इसको बॉयल कर ले, थोड़ा गाढ़ा कर ले दूध के साथ, नहीं तो इसको ऐसे भी दूध में डाल के आप पी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दूध में डाल के बॉयल करूँगी। बॉम्बिनो का बादाम मिक्स बनाने के लिए मैंने ये 150 ml मिल्क लिया है, जो कि इस कप से
एक कप है। अब इसको भी बॉईल करेंगे। इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सस्पेंस जो है ये बार बार गैस के ऊपर उलट जाता है, इसके ऊपर रखने से ये नहीं पलटेगा। अब दूध को बॉईल होने देंगे। दूध बॉईल हो गया, इसमें ऐड कर देंगे ये मिक्स, जो कि मैंने इसको डाइल्यूट करके रखा था, घोल के रखा था, वो घोल मिक्स कर दिया। बॉईल इसलिए करेंगे कि थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए और पीने में फास्ट के दौरान टेस्ट भी अच्छा आए और हमें एनर्जी भी मिले। इसमें फ्लेवर पहले से है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी ताकि इलायची का खुशबू और अच्छी आ जाए। ये थोड़ा मीठा होता है, इसके जिनको मीठा पसंद है उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी एक से दो मिनट तक इसको बॉईल कर लिया मैंने, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे। दोनों ही ड्रिंक बनके रेडी है और ठंडा हो रहा है। दूध ठंडा हो गया है, अब इसको मैं सर्व करूंगी। ये भी ठंडा हो गया। ऊपर जो मलाई है आप उसको निकाल दें और नहीं तो इसी के साथ मिक्स कर दें। पाउडर से जो मैंने बनाया ड्रिंक हाफ लीटर दूध में और जितना मैंने पाउडर बनाया था उससे ये 3 कप बना है, और जो मैंने बॉम्बिनो से बनाया 150 ml का वो 1 कप बना। अब इसको फ्रिज में रख के ठंडा करूंगी। आप भी जरूर नवरात्रे में इससे बनाइए और ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।